platform to sharing your thoughts. City Live, a platform to sharing your thoughts. City Live, a platform. कहते हैं कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम ज्ञानम महोत्सव का वर्चुअल जो आयोजन है वो कर रहे हैं। वर्चुअल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप और हम सभी जानते हैं कि लगातार COVID-19 जो है वो पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चल रहा है। तो इन सब को देखते हुए हमने ये तय किया, हमारा जो प्रबंधन है उसने ये तय किया कि हम क्यों ना वर्चुअल आयोजन करें हमारे ज्ञानम फेस्टिवल का। धर्म, कला और साहित्य से जुड़ा हुआ ये देश का एक सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन होता है, महोत्सव होता है ज्ञानम। तो आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं, मैं सबसे पहले तो आपका परिचय उन लोगों से करवा दूं। हमारे साथ हैं ब्रजेंद्र गोस्वामी जो कि एक लेखक हैं, और साथ में है नदीम अहमद नदीम जो कि साहित्यकार हैं, समीक्षक हैं और देश के जाने माने कवियों में भी आपकी गिनती होती है। आज का जो हमारा विषय है वो हमने लिया है भक्ति कालीन जो सबसे बड़े माने जाते हैं वल्लभ संप्रदाय, जो कि भक्ति मार्ग यानी कि पुष्टि मार्ग भी उसको कहा जाता है। इस विषय पर ब्रजेंद्र गोस्वामी ने अपनी दो पुस्तकें लिखी हैं। इनकी पहली पुस्तक जो आई थी वो थी श्री वल्लभ ही क्यों। इसके बाद जो अभी पिछले वर्ष यानी कि 2020 में इनकी जो पुस्तक आई है वो है बहुत ही अच्छी और प्रबंधन को लेकर इन्होंने लिखी है कि प्रबंधन गुरु श्री वल्लभ। तो हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे ब्रजेंद्र जी से भी और नदीम अहमद जी से। सबसे पहले ब्रजेंद्र जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे ज्ञानम महोत्सव में। सबसे पहला सवाल मेरा ये है, क्योंकि आपने दो पुस्तकें लिखी हैं वल्लभ संप्रदाय को लेकर, क्योंकि आप भी उसी संप्रदाय से आते हैं, भक्ति कालीन मार्ग का एक सबसे बड़ा जो है वो संप्रदाय माना जाता है, जिसमें लाखों करोड़ों लोग पूरे देश और दुनिया में इसके आज भी लगातार इसको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कृष्ण और राधा की जो है वो पूजा की जाती है, उनके बारे में पूरा जीवन जो है अपने समर्पण भाव को जो है वो इस संप्रदाय में बताया गया। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने जो पुस्तक लिखी है, पहली पुस्तक और दूसरी पुस्तक यानी कि श्री वल्लभ ही क्यों और प्रबंधन गुरु श्री वल्लभ, इन दोनों के पीछे आपका मुख्य रूप से क्या उद्देश्य रहा था, कहां से आपके सोच में आया कि आपको इस तरह की पुस्तक लिखनी चाहिए? मुझे ऐसा लगा कि श्री वल्लभाचार्य जी के बारे में जो प्रचारित किया जा रहा है या जैसा माना जा रहा है वैसा उन्होंने कुछ नहीं लिखा है। उनका बहुत कुछ वो है, ना तो वो किसी चीज की जबरदस्ती करते हैं, ना धन की, ना तन की, ना मन की। वो तो कहते हैं अगर आपका मन नहीं है तो आप सेवा मत करो, तन असक्त है तो सेवा मत करो, किसी और को सेवा मत करो, खुद को ये हम आ रहा है कि भाई मैं तो बहुत बड़ा पुष्टि मार्गी हूँ और मेरे मुकाबले का कोई नहीं, तो सेवा नहीं करो क्योंकि वो सेवा प्रभु स्वीकार नहीं करते हैं। यानी कि आपका जी जी कहिए। हाँ, मतलब जैसे एक मंसूर उस्मानी का शेर है जी कि हमारा प्यार महकता है उसकी सांसों में, बदन में उसके कोई जाफरान थोड़ी है। क्या बात तो है? यही हाँ जी, यही वो कहते हैं कि भाई जैसा भक्त है वैसे ही भगवान है, वैसे ही सब हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के कारण से हम चमक रहे हैं या वो हमारे कारण चमक रहा है, हम जैसे ऐसे ही वो है। इसलिए क्या है कि सबसे बड़ी है स्वाभिमान, जो इस संप्रदाय का मुख्य उद्देश्य है। वल्लभ ही क्यों जी, इस पुस्तक के बारे में आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। वल्लभ ही क्यों, मैंने ये इसीलिए लिखा था कि वल्लभाचार्य जी ने 84 वैष्णवों में ऐसे लोगों को शामिल किया है, जो गाड़े वाला भी है जी, जो मतलब नाच गान करने वाला भी है, जो और भी तरह के जैसे धर्म की पूजा करने वाला है, भागवत पढ़ने वाला है, सब तरह के जो भी लोग हैं, यात्राओं पर जाते हैं। जैसे वल्लभाचार्य जी 84 वैष्णव वार्ता जो है वो उनकी जो बैठ के जहाँ उन्होंने भागवत जी करी जी, वहां उनको बहुत से आदमी ऐसे मिले जैसे कोई उनको देखते ही ठीक हो गया, कोई ठीक नहीं हुआ। जो ठीक नहीं हुआ तो उसका एक प्रसंग है कि वो जब जा रहे थे तो उनको एक अजगर दिखाई दिया जिसके काफी मतलब क्या है कि चींटे उसको खा रहे थे,
उनके उनके जो साथी थे कृष्णदास मेघन, उन्होंने पूछा कि आपको तो देखते ही सबका ताप हट जाता है, ये क्यों तड़फ रहा है। तब उन्होंने कहा ये वो गुरु है जिसने अपने सामर्थ्य से ज्यादा शिष्य कर लिए, अब ये शिष्य इसको खा रहे हैं कि तेरी सामर्थ्य नहीं थी तो तूने इतने शिष्य क्यों बनाई, इसलिए इसका ताप नहीं हरेगा। वो कहते हैं अगर आप ठगोगे तो कीड़े बनोगे, आपको कोई ठगेगा तो अजगर बनेगा, ये सबसे बड़ी बात है। यानी कि गुरु भी अगर हमको बनाना है तो वो देखकर बनाना चाहिए, और अगर गुरु ने अपनी श्रद्धा से ज्यादा लोगों को अपना शिष्य बनाया या फिर उन्होंने अपने शिष्यों को ही ठगा, उनके साथ मिलकर ठगा, तो उसकी हालत उस अजगर की तरह होगी जिसको कि चींटे खा रहे थे। जी हाँ जी हाँ। तो आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में ये पुस्तक लिखी, साथ ही पुष्टि मार्ग पर आपकी जो सेवा प्रबंधन है उसको भी मैं पढ़ रहा था कि उसमें जो आपने प्रबंधन की बातें कही अपनी पुस्तक में, मैं हमारे दर्शकों को वो पुस्तक भी दिखाना चाहूंगा कि ये वो पुस्तक है जो कि ब्रजेंद्र गोस्वामी जी लिखी है वल्लभ संप्रदाय के ऊपर। इसमें ये किसी जाति, किसी धर्म या किसी भी संप्रदाय को लेकर नहीं है, बल्कि ये उस संप्रदाय की है जिसमें एक जीव के लिए लिखी गई, यानी कि चाहे वो मनुष्य हो चाहे जीव जंतु हो, उन सभी के बारे में इस पुस्तक में ज्ञान दिया गया है। और इस पुस्तक में वास्तव में वल्लभाचार्य क्या मानते थे वो इस पुस्तक में बहुत ही खूबसूरत अंदाज में प्रस्तुत किया गया, जिसमें जीवन का जो प्रबंधन है उसको किस तरह से किया जाए उसके बारे में भी हम ब्रजेंद्र जी आपसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो कि देश के जाने माने समीक्षक हैं, कवि हैं और साहित्यकार हैं, नदीम अहमद नदीम साहब जुड़े हुए हैं। नदीम जी, आपका हमारे ज्ञान महोत्सव में हार्दिक स्वागत है। जी धन्यवाद। सबसे पहले मेरा सवाल जो है, जैसा कि हम ब्रजेंद्र गोस्वामी जी की पुस्तक के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि प्रबंधन गुरु श्री वल्लभ, तो इसके बारे में आपने पुस्तक पढ़ी, आपने इस पर समीक्षा भी लिखी है, तो आप इस पुस्तक को किस अंदाज में देखते हैं? देखिए दीपक जी, आज के दौर में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रबंधन पे लिखा और पढ़ा जा रहा है जी। तो ये जो ब्रजेंद्र जी की जो किताब है ये आम पाठक को बहुत चकित करती है, और मैं भी इसको पढ़ करके बहुत चकित हुआ कि इन्होंने जो पुष्टि मार्ग है और श्री वल्लभ के जो सूत्र हैं उनको प्रबंधन के साथ में ना केवल जोड़ा बल्कि एक विशिष्ट अंदाज में जोड़ा। ये इनकी खासियत और काबिलियत कहूंगा मैं कि प्रबंधन गुरुओं में आज देखिए कि एक पूरी एक जमात है प्रबंधन गुरुओं की, उन सब से मुझे अलग नजर आई है। इन्होंने जो है सिर्फ दिखावे के लिए या किताब लिखने के लिए या अपने आप को लेखक के रूप में प्रोजेक्ट करने के लिए ये काम नहीं किया जी। ये जब कोई भी किताब, कोई भी व्यक्ति इस किताब को जब आप पढ़े, आपने जैसा भी थोड़ी देर पहले कहा कि ये किताब किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करती, ये प्रबंधन की सीख देने वाली एक ऐसी व्यवहारिक किताब है जीवन की, मैं कहता हूँ जहां तक मैंने इसको पढ़ा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इनकी जो एक सबसे बड़ी इस किताब की जो मुझे खूबी नजर आई वो ये नजर आई कि आम लोगों से अलग हटकर आपके आसपास के जो गली मोहल्लों के जो हीरो है जिन्होंने जो मीडिया में नहीं आते हैं और उन्होंने बहुत कुछ ऐसा समाज को दिया है, समाज के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन उन लोगों को सामने मौका नहीं मिलता आने का, आम आवाम को पता नहीं चलता कि मेरे घर के पास में या एक ही दीवार व्यक्ति जो है वो इतना बड़ा काबिल इंसान हमारे साथ में रह रहा है। ऐसी ऐसी कहानियां, यानी आप ये समझिए कि गोस्वामी चौक से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक अमेरिका तक के लोगों को खोज करके और एक पांत में खड़ा कर देना, ये ब्रजेंद्र जी का एक बहुत बड़ा कारनामा कहूंगा, बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी कामयाब पुस्तक मैं कहूंगा। मैं सिर्फ समीक्षा मैंने जरूर की है, लेकिन मैं इसको ये कहूंगा कि मैंने इस पुस्तक पे अपनी बात रखी, और ये एक बहुत दुर्लभ किताब कहना चाहूंगा मैं, ये सिर्फ तारीफ के लिए तारीफ नहीं है, मतलब बिल्कुल हकीकत बयानी है इसमें। और दूसरी बात ये कि ब्रजेंद्र जी ने
इस किताब में जो कविताएं अशार उर्दू के और संस्कृत के जो श्लोक वगैरह है वो उनको साथ में प्रासंगिक तौर पे उनको जोड़ा है उन बिल्कुल चीजों को। नदीम जी यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि देखिए हमने बहुत सी पुस्तकें पढ़ी हैं, अगर वो धर्म को लेकर है किसी धर्म विशेष को लेकर भी है तो अगर उसमें उर्दू का प्रयोग हुआ है तो शुरू से लास्ट तक उर्दू का ही उर्दू की शेरो शायरी हुई है, उर्दू की ही बात हुई है। अगर हम हिंदी कविताओं की बात करें तो उसमें हिंदी कविताओं का ही सिर्फ जिक्र हुआ है, लेकिन गोस्वामी जी की पुस्तक मैंने पढ़ी तो इसमें जहां एक तरफ दोहे हैं वहीं एक तरफ श्लोक भी दिए हुए हैं, श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक भी हैं और वहीं शेरो शायरी भी है, तो इन सबका एक कॉम्बिनेशन जो इन्होंने पेश किया उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने कॉम्बिनेशन जो है वो जो दिया है, मैं एक चीज ये और कहना चाहूंगा आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए जी, कि ब्रजेंद्र जी ने अलग अलग जो जो साहित्यिक इनकी अभिरुचि है और साहित्य को ये पढ़ते रहे और इनके पास में दुर्लभ किताबों का संग्रह भी है, मैं आपको और दर्शकों को बताना चाहूंगा कि बेमिसाल किताबें इन्होंने एकत्रित कर रखी है खरीद खरीद करके, और जिनको पता चलता है कि किताब तो वो इकट्ठा करने की उनसे कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सिर्फ उन किताबों को सिर्फ अलमारी में सजाते नहीं है, उनमें से कोट करते हैं, और आप अगर इनसे जो भी इनसे जुड़ा हुआ है फेसबुक पे तो ये उन किताबों में से अलग अलग किताबों में से श्लोक कविताएं और शेरो शायरी वो सारी कलेक्ट करके और उस व्यक्ति के नाम से शाया करते हैं प्रकाशित करते हैं, वही काम इन्होंने अपनी किताब में किया है जी। और जो प्रबंधन की जो कहानियां हैं इनकी उनसे उनको जोड़ा है इन्होंने, जैसा अभी इन्होंने अभी अपनी बात शुरू करी थी तब इन्होंने उस्मानी साहब का एक शेर अभी इन्होंने कोट किया था, तो ये क्या है कि इनको शेर जो है बीकानेर में दो चार लोग ही हैं, मालचंद तिवाड़ी जी हुए, ब्रजेंद्र जी हुए, इनको क्या है मौखिक याद है इनको शेर, अच्छा इनको देखने की किताबें खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये क्या है प्रासंगिक बना देते हैं उस घटनाक्रम को, उन कहानियों को जीवंत कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल नदीम जी, मैं आपसे फिर चर्चा करूंगा लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर ब्रजेंद्र जी से पूछना चाहूंगा क्योंकि मैं उनकी पुस्तक में पढ़ रहा था अभी कि इन्होंने शुरुआत में एक बहुत अच्छी पश्चिम मार्ग सेवा प्रबंधन सूत्र को लेकर लिखा था कि धृतराष्ट्र आंखों से महरूस थे मगर ये ना समझो कि वो मासूम थे। इसके बारे में मैं ब्रजेंद्र जी आपसे जानना चाहूंगा कि इसके पीछे आपका क्या लॉजिक रहा है, क्या उद्देश्य? इसका उद्देश्य ये है कि जैसे पुष्टि मार्ग के जो गुरु हैं गोसाई जी, उन्होंने लिखा है कि अयम चित्तेन दुष्टे मने दुष्टे धनेन दुष्टे, कि हम और कोई नहीं, हम खुद ही धन से भी दुष्ट हैं, चित्त से भी दुष्ट हैं और प्रवृत्ति से भी दुष्ट हैं जी। तो इसलिए क्या है कि वो ये कहते हैं कि अगर हम जैसे महाप्रभु जी पश्चाताप नाम की कोई चीज नहीं मानते, वो कहते हैं वो काम करिए ही नहीं जिसको पश्चाताप करना पड़े, क्योंकि वो कहते हैं पश्चाताप यानी कुंजर स्नान, कुंजर स्नान से मतलब है जैसे हाथी को मावत नहलाता जाता है, हाथी मिट्टी डालता जाता है उसके कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो ऐसे ही कहते हैं कि वो काम करे ही नहीं, जैसे विदुर कहते हैं कि वो काम करो ही नहीं जिससे बाद में खाट पर बैठ के पछताना पड़े जिस काम को करने को, यही वो मानते हैं। जी जी बिल्कुल, मैंने आपके इस पुस्तक में पढ़ा है कि आपने जिस तरह हम अगर कृष्ण के मंदिर में जाएं तो देखते हैं कि कृष्ण के बाकी सारे जो दूसरे मंदिर हैं वो तो सुबह से शाम तक खुले रहते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान का एकमात्र मंदिर ऐसा होता है जिसमें सुबह 5 बजे के दर्शन अलग होते हैं, उसके बाद मंगला आरती के दर्शन है, जैसे उसमें अलग अलग दर्शन का प्रायोजन दिया गया है, तो इन सब के पीछे भी आपने इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है, तो उसके बारे में हम हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि वो क्या है, उन दर्शन के क्या मायने हैं, किस तरह से वो दर्शन होते हैं, उनके बारे में हम जानना चाहेंगे। उनका उद्देश्य ये है कि जो भगवान जो है वो ये मानते हैं जगत को जो पालने वाला है वो आपके घर में बच्चा बनकर आया है, तो बच्चे को आप लगातार नहीं खड़ा कर सकते, कृष्ण के बाल रूप में जो सेवा होती है। जी जी हाँ, बाल स्वरूप में है, तो उसके अंदर क्या है कि जैसे सेवा करने वाला है तो वो क्या है कि वही रहता है, उसकी व्यवस्था वही करने की, ऐसा नहीं है वो कहीं से आएगा जी, जैसे कि जो भी है वो कहते हैं खाना हमेशा माँ ही को खिलाना चाहिए चाहे वो कितनी हो, क्योंकि मैंने इसीलिए लिखा है
कि भाई आया का खाया व्यक्ति घर से भी जाया करता है और आपको भी घर से निकाला करता है। बहुत अच्छी बात की है, क्योंकि लगातार हम आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो हम आधुनिक युग में जी रहे हैं, और लोग अपने बच्चे को जो है आया के भरोसे छोड़ देते हैं, चाहे वो 15 दिन का है, चाहे वो 1 महीने का है, बस वही और लगातार वो आया के पास ही पाल पोस कर बड़ा होता है। तो फिर उसमें किस तरह के संस्कार होंगे, क्या होगा, वो आप बेहतर समझते। तो आपने जो अभी कहा कि आया का जाया, उसके बारे में और थोड़ा सा प्रकाश डाल। नहीं, मतलब आया के हाथ से खाया बच्चा आपके घर से भी जाया करता है और आपके दिल से भी जाया करता है, उसको क्या प्रेम होगा? जी उसने तो आया को भी देखा है कि आप आया को डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, उसकी ऐसी कोई इज्जत नहीं कर रही। उसका बच्चा अगर रो रहा है, आपको कोई चिंता नहीं है। जबकि महाप्रभु जी कहते हैं इदम अयम सर्व ईश्वरम, हम और आप सब ईश्वर हैं, ऐसा नहीं है। इसीलिए महाप्रभु जी जी ने तो कोई मंदिर नहीं बनाया, किसी तरह का वो नहीं किया। ये भी जो नाथद्वारा का मंदिर भी जो है, उसकी एक बुढ़िया ने उनको दिया होगा। तो आप कभी नाथद्वारा गए होंगे तो देखा होगा कि जो मूल जहाँ ठाकुर जी हैं जी वहां एकदम झोपड़ी सा, एकदम साधारण सा है, बाकी सब वो बड़ा हुआ है। तो वो इसका कारण यही है कि भाई वो वैभव दिखाना ही नहीं है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि ना कालो नियामके यथा लब्धोपचार के, भाई काल का कोई महत्व नहीं है, जो जिस समय में जो सेवा संभव है शुद्ध कमाई से। इसलिए वो कहते हैं यात्रा के लिए, धर्म के लिए, और भी किसी, जैसे आपको भंडारा खोलना है तो उसके लिए चंदा मत करो, अपनी हैसियत तो एक को करो। आप कौन होते हो किसी की तय करोगे कि भाई मैं 1,000 आदमी को खिलाऊंगा, तो आपकी हैसियत है तो एक को खिलाओ, उसमें बिल्कुल, मात्रा का कोई महत्व नहीं है। यही यानी कि चीज, मात्रा का कोई महत्व नहीं, भाव का यहाँ पर महत्व जो है वो कहीं ना बिल्कुल कहीं बिल्कुल नजर आता है। और जैसा कि आपने कहा कि उनका कहीं कोई मंदिर इस तरह का नहीं है, ना वो उस पर भरोसा रखते थे, वो कहते थे घर ही आपका मंदिर है, क्योंकि जो परंपरा चली है घर बिल्कुल एक मंदिर, बिल्कुल जी ये उसी बात से प्रेरित होकर मुझे लगता है कि शायद है, क्योंकि हमारे घर में ही अगर हाँ, हम ठाकुर जी को गृहस्थित्वा विराजमान। सा धर्मता, जी वो उन्होंने इसीलिए जो मंदिरों की परंपराएं थी ना, उसके बजाय आपको घर घर में ठाकुर जी दे दिए। और एक प्रसंग भी आता है कि गोसाई जी जो उनके दूसरे बेटे थे, जी उन्होंने एक बार, उनकी बेटी एक बार क्या नाथ द्वारा में घंटी बजी दर्शन की, तो वो अपने घर के ठाकुर जी को छोड़कर आ गई, तो उन्होंने उसको डांटा कि वो काहे के लिए दिया है तुझे, तुझे कहाँ जाना है, अपने बच्चे को छोड़कर तू आ सकती है क्या जो यहाँ आई बिल्कुल है। इसलिए उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने उनको जो 4 स्वरूप मिले थे वो भी जिनको दिए, तो उनको ये कहा कि तू इनको अपना बच्चा समझ, और जैसी तेरी हैसियत है वैसे सेवा कर दे, नहीं कर सके तो इनके नाम से कोई पाखंड मत करना, इनके नाम से कोई मांगा तांगी मत करना, क्योंकि मांग कर तुम अपने बच्चे को पालते हो क्या जी जो उसको पालोगे। तो उन्होंने कहा ये करना मत, मुझे लौटा देना। तो एक उन्होंने ठाकुर जी दिया था, देवा कपूर थे एक वैष्णव, जी तो देवा कपूर की बच्चों की कोई श्रद्धा नहीं थी। और महाप्रभु जी कहते भी हैं कि आप केवल अपने को तय करो, आप दूसरे को तय नहीं कर सकते, आप घर के नौकर को भी नहीं कह सकते कि ये तू सेवा कर, क्योंकि वो कहते हैं जी सेवा सेवा पी कायिक कार्या, सेवा जो है वो काया की है, वो पैसों से नहीं होती। उन्होंने कहा पैसा से तो वेश्या को लाया जाता है, और उसको आप बता सकते हैं कि भाई तू ये कर वो कर सकती है, बाकी क्यों कोई करेगा। वो कहा आपको देखना है तो आप गधे में भी ईश्वर देखो, और सबसे जी पहले आप अपने नौकर में ईश्वर देखो। इसलिए उन्होंने कहा है कि जो सबसे पहले आप वो खाओ जो नौकर ने खाया है, वो खत्म हो जाए, वो जो बच जाए उसको आपको खाना है। यूं नहीं है कि आपका बच्चा वह नौकर खाए। इसका मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति में आपको और हमको भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे बिल्कुल वो जी बिल्कुल हमारा बिल्कुल बच्चा हो, हमारा भाई हो, हमारे पिता हो, या फिर हमारा जी नौकरी क्यों ना हो, यानी कि सबको समभाव से, समान भाव से जो है वो देखना चाहिए। मैं यहाँ पर, क्योंकि पहले भी चर्चा कर रहा था, हमारे जो दर्शक हैं वो लगातार इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, और उनके भी मन में एक तरह की जिज्ञासा है ब्रजेंद्र जी, जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपसे बात करना चाहूंगा, कि जिस तरह बाल रूप कृष्ण भगवान का जो होता है, उसको सुबह सुबह उठाया जाता है, मंगला दर्शन जो कि हम जी कहते हैं, तो उनका भी उठाने का एक तरीका होता है कि उनको किस तरह से उठाया जाता है, उसके हाँ, बाद मतलब में। जैसे वो कहते हैं कि जी भाई इसलिए हमारे यहाँ लाउड स्पीकर है, या ताल का भी निषेध है, आप बच्चे जी को यूं यूं करके भी नहीं जगाओ, हो सकता है जी बच्चा डर जाए। तो
तो उसको एकदम धीरे धीरे जगाओ, वो आपसे खड़ा हुए और पूरे टाइम में उसको ये लगना ही नहीं चाहिए। जैसे विनोबा भावे का मैंने इसमें जिक्र किया है कि विनोबा भावे कहते हैं कि आजकल आया के हाथों में फंसा हुआ बच्चा, तो माँ बाप की भी ऐसी आदत होगी कि बच्चे को उठाते हैं तो बच्चे को ऐसे लगता है कि जैसे 7 जन्मों का कोई बैरी मुझे उठा रहा है, मतलब नहीं उठ रहा है, लेट हो रही है, तो उसको मार रहे हैं तार रहे हैं, तो वो आपको कैसे, वो आपको प्यार कैसे करेगा। यानी ये भी एक जीवन का प्रबंधन है कि आप अपने बच्चे को, अपने साथ के लोगों को किस तरह से नींद से जगाएं, ये भी एक मैनेजमेंट का पार्ट है। अगर आप अच्छे तरीके से उठाएंगे तो दिन भर उसका अच्छे से निकलेगा। अच्छा, और साथ में जी, और इसके बाद में जब हम आते हैं मंगल भोग की बात करते हैं या फिर उनके सुबह के नाश्ते की बात करते हैं जिसमें दूध, मिश्री, मावा, इस तरह की जो चीजें खिलाई जाती हैं, इनके पीछे भी कोई ना कोई महत्व है। हाँ जी, वो यूं कहते हैं कि इससे क्या है कि श्री ऐश्वर्य वीर्य सबकी पुष्टि होती है, बढ़ता है, मतलब यहाँ बैठने का नहीं है, उसके बाद ठाकुर जी वहाँ गोचारण के लिए जाते हैं, वो घूमते फिरते हैं वहाँ, उसमें मतलब जमीन के लिए इतना महत्व है कि आप जो जहाँ जा रहे हैं, जैसे नदी को पवित्रता इतनी रखी है कि आपकी पवित्र नदी जो है उसको आप तैर के भी पार मत करो, इधर से इधर उधर से जहां से भी जाओ ये ध्यान रखो कि यहाँ पर इस जमीन पर ठाकुर जी चले तो उनके पैर बहुत कोमल है, आपके कठोर पैरों से वो कुचले नहीं जाए, ये भाव है इसके अंदर। तो सारी बात जो है वो भावनाओं को लेकर है, आपके मन के भाव की बात है, जिस तरह आपका मन होगा उसी तरह आपका जीवन होगा। तो क्यों ना हम इस प्रबंधन को भी अपने जीवन में उतारें, जिस तरह मंगल भोग की बात कही, दूध और फल फ्रूट और इस तरह की चीजें खाने से हमारी सेहत भी बेहतर होगी और हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो भी डेवलप होगा। और इसके साथ साथ में जिस तरह श्रृंगार की बात करें तो भगवान का श्रृंगार होता है, उसके साथ साथ आप खुद को भी साफ सुथरे और बेहतर अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। तो इसमें सारे सुबह से लेकर शाम तक की सारी जी जी पूरी बात कीजिए। के लिए जैसे कहते हैं ना जी, हाँ जी, जैसे हनुमान जी के लिए ना कांधे मूंज जनेऊ छाजे, कि भाई हनुमान जी का रूप क्या है कि वो एकदम अप टू डेट रहते हैं, तो ये अप टू डेट रहना भी पुष्टि मार्ग का एक ही है। आपको मतलब ऐसा नहीं कि आपको देख के किसी को देखने का मन नहीं करे, तो आप क्या है कि एकदम अप टू डेट रहे, आप घूमे फिरे तो मेहनत के लिए घूमे, तो ये इस मार्ग में शाम का जो भोजन समझे शयन भोग जो है उसमें पूरी होती है, सब्जी होती है, क्योंकि ये मानते हैं कि थका अरे आप अगर अच्छा थोड़ा हैवी भोजन करेंगे, जबकि हैवी भोजन मना करते हैं, इसमें मना नहीं है, वो कहते हैं आपने मेहनत की है तो हैवी भोजन करो ताकि आपको नींद आए, थके हुए आदमी को नींद कैसे आएगी, सूखी रोटी में नींद कैसे आएगी। यानी कि हमारे जी, यानी कि सुबह से लेकर रात तक का जो हमारा जीवन यापन है वो किस तरह का हो, वो हम इससे सीख सकते हैं कि किस तरह की चीजें हमको खानी चाहिए, किस तरह हमको नींद से उठना चाहिए, किस तरह हमें श्रृंगार के साथ साफ सुथरे कपड़े पहनकर स्वच्छ रहना चाहिए। और साथ में ब्रजेंद्र जी ये भी पढ़ रहा था कि जब गाय चराकर कृष्ण भगवान जब घर लौटते हैं तो उनको किस तरह से उनका स्वागत करना चाहिए, यानी कि कोई भी व्यक्ति हो अगर थका हुआ दिन भर का मेहनत करने के बाद जब शाम को घर लौट कर आता है तो उसको किस तरह से उसकी माँ प्यार से घर में उसको बुलाती है, किस तरह प्यार से रखती है, वो भी आपके इस पुस्तक में जिक्र किया है। उत्सुकता रहनी चाहिए। आज ये है कि घर में ऑफिस में झड़की खाया आदमी घर इस डर से लेट जाता है जी, उसको ये लगता है अभी जाते ही सारे वो कहेंगे कहाँ गए थे तुम्हारे को कुछ चाहिए नहीं है, तो वो ऐसे नहीं करो, आप तो ऐसी उत्सुकता रखो कि वो घर आए, ऐसा नहीं हो कि रात को आपको छोड़ के चला जाए। पाखंडे प्रचुर लोके कृष्णे गतिर ममा, उन्होंने इसीलिए कहा है कि जो पाखंड है ना, आप किसी को चिढ़ के स्वागत करोगे, आज आप मान के चलो जैसे उसने अफसर से भी झाड़ खाई है रास्ते में, कोई उसके ऊपर आ पड़ा उससे भी लड़ लिया, सबसे लड़ लिया और घर आ पाए तो आपके माँ बाप आप पर चिढ़ गए, आपकी पत्नी आप पर चिढ़ गए, तो इसलिए पत्नी के लिए भी उन्होंने कहा है इंगित कोविद है, मतलब उसको इशारे से पता लग जाना चाहिए कि मेरे आदमी का मूड कैसा है और उस अनुसार बात करे, ये इसके अंदर ये महत्व है। बिल्कुल विजयन जी, मैं नदीम जी आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगा कि जिस तरह से पूरे कृष्ण भगवान के जो सुबह नींद से उठने से लेकर
रात को सोने तक की जो पूरी प्रक्रिया है उसको अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर इसको अपने जीवन में उतारता है तो वो स्वस्थ रहता है, वो सुखी रहता है और अपने साथ साथ वो पूरे परिवार को और पूरे समाज को भी स्वस्थ और सुंदर बनाए रखता है और किसी भी तरह का जो दुख है वो उसके पास नहीं आता है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि ब्रजेंद्र जी ने इन्हीं चीजों को इस किताब के सरल माध्यम से, यानी कि अगर सिर्फ इसको एक धार्मिक किताब का ये रूप देते तो शायद इसके पाठक इतने नहीं होते, या एक सीमित दायरा जो इसके प्रति उन सिद्धांतों के प्रति जो श्रद्धा भाव रखते हैं वो पाठक होते। लेकिन इन्होंने एक बहुत ही नायाब काम ये किया कि उन श्री बल्लभ के जो जो सिद्धांत, जो सूत्र है, जो आप जो बता रहे हो जीवन शैली है और सुबह से शाम तक का जो पूरा कार्यक्रम है, उन सारी चीजों को आवाम के साथ में जोड़ा है, आम कहानियों के साथ में जोड़ा है। तो वो क्या है कि एक रुचि रहती है पढ़ने में और एक बहुत उत्कृष्ट साहित्य के रूप में इन्होंने इस किताब की जो रचना की है, सृजन किया है, वो नायाब है। तो ये एक सीख है। एक और खास तौर से मैं एक चीज और ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि ब्रजेंद्र जी एक बहुत संवेदनशील इंसान है, और व्यक्तिगत रूप से भी और एक लेखक के रूप में भी। तो खास तौर से जो इनकी चिंता है वो युवा पीढ़ी को लेकर के है। तो इन्होंने इस पूरी किताब में युवा पीढ़ी के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में इस किताब को रखा है। जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि खास तौर से जो युवा है, कॉलेज के हैं, उन लोगों को ये एक बार अगर ये किताब पढ़वाई जाए, उनको उपलब्ध कराई जाए, तो मैं निश्चित रूप से, मेरा ऐसा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि समाज के अंदर बहुत बड़ा रचनात्मक परिवर्तन हो सकता है। बिल्कुल, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा इस तरह की जो प्रबंधन की पुस्तक है वो निश्चित रूप से पढ़नी चाहिए, जिससे कि उनका और उनके परिवार का जो पूरा जीवन है वो एक सुरक्षित और बेहतर जीवन जो है वो जी सके। विजयन जी, आप क्योंकि लगातार मैं आपको जहां तक व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं, तो एक बचपन में चाहे छोटा व्यक्ति हो, चाहे बड़ा हो, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, आपकी सबसे एक दोस्त की तरह आपका व्यवहार रहता है। तो आपको क्या लगता है कि जो हमारा युवा आज पथ भ्रमित हो रहा है, वो गलत राह की ओर भी जा रहा है, पाश्चात्य की ओर वो ज्यादा से ज्यादा कदम बढ़ा रहा है, तो इसमें आप क्या मानते हैं कि ये क्या कमी हमारे बुजुर्गों की है, हमारे धर्म के जो ठेकेदार बनकर बैठे हुए हैं उन लोगों की है, या फिर उस परिवार की है जो कि उस बच्चे को वो संस्कार नहीं दे पाए जो कि देना चाहिए? हाँ, ये तीनों ही कारण है। जैसे एक अकबर इलाहाबादी का शेर है कि बाप को ये फिक्र बेटा हो कब जवां, बेटा का बेटे को फिक्र बाप का कब इंतकाल हो। वो कहते हैं स्थिति है कि बाप को तो फिक्र है कि बेटा कब जवान होगा, और बेटा सोचता है कि कब इससे पिंड छूटे, कि ये कब मर जाए तो मैं बड़ा होते ही राजा बन जाऊं। तो इसमें क्या है कि महाप्रभु जी ने ये भागवत में कृष्ण जो है वो बताते हैं, वो क्या करते हैं, इस बात की फिक्र करते हैं। उन्होंने बालक के, उन्होंने आम व्यक्ति का जीवन जिया है। वो कंस को मारने के से पहले काफी टाइम तक छुपे हुए रहे, बाद में जब आए तो उन्होंने अपने माँ बाप से माफी मांगी कि भी मेरे को माफ करना कि मैं कंस के भय से आपको बचाने नहीं आ सका। ये उन्होंने ये बताया कि कोई आदमी ये नहीं समझ ले कि देवीय शक्ति जो है वो तो आएगी, वो अमिताभ बच्चन की तरह धूमधड़ाका करके सब बरोबर कर देगी। उन्होंने आम आदमी के लिए ये बताया है कि उसको भय भी लगता है, उसको डर भी लगता है, वो भग जाते हैं, वो दौड़ते हैं, भागते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो वो इसीलिए है, वो ये कहते हैं कि आप बच्चों को कुमारे आचरित प्राज्ञा, एक उन्होंने उदाहरण दिया है कि भाई जैसे कि भाई कोई किसी ने पूछा कि भाई हमें बच्चे को कब से संस्कार देने चाहिए, तो उन्होंने पूछा आपका बच्चा कितने साल का है, क्या कितने का नहीं, वो तो 3 महीने का, रहे आप तो 3 महीने लेट हो गए। उन्होंने कहा यानी कि पहले दिन से ही जो खा रहा है वो सुन भी रहा है, वो आप बता भी रहे हो। आप बहुत बार देखो कि पहले अपन लोगों से आज की पीढ़ी में इतना
फर्क हो गया कि अपने मम्मी पापा अपने को लेके जाते थे, हाथ में रोटियां होती थी, हम कब वो गायों को भी देते, कुत्तों को भी देते, चिड़ियों बिल्कुल को भी दाना देते। आजकल आप देखो माँ बाप जाते हैं तो बच्चे के हाथ में एक डंडा रहता है, वो रास्ते में पड़ने वाली गाय के भी लगाता है, कुत्ते के भी लात मारता है। पहले तो पशु पास आता था कि ये मुझे कुछ देगा, अब वो ये सोचता है ये डंडे मारेगा तो आते ही नहीं है। तो ये बिल्कुल, तो संस्कारों का ये संस्कारों का फर्क ये है कि बिल्कुल आपने बेटे को बाप बना लिया है, जो ये नहीं है नहीं। वो तो कहते हैं बच्चे को बच्चा ही रहना चाहिए। यशोदा जी बहुत प्रेम करती थी, पर जब यशोदा जी की आंखों से स्नेह बरसता था, पर वो कहते हैं जब वो आंखें तरेरती थी तो कृष्ण भगवान भय से ऐसे कांपते थे जैसे कि अब मुझे मार पड़ेगी, अब मुझे मार पड़ेगी। तो बिल्कुल वो कहते हैं श्रेष्ठता कुछ नहीं है, समानता, सरलता, सहजता जो है ये दुनिया में है। इसीलिए मैंने आपको बताया ना, इदम अयम सर्व ईश्वरम। उन्होंने इसीलिए कहा कि हम सब ईश्वर हैं, हम में से कोई कुछ अलग नहीं है। तो ये संस्कार नहीं होंगे तो मैंने आपको जैसे बताया ना, जब जिसको खिलाएगी आया तो वो आपको कैसे अपना जाया मानेगा कि आपने बिल्कुल जाया है बिल्कुल उस बिल्कुल कोई नदीम गलत। भाई, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अब आप जैसे लोगों को, ब्रजेंद्र जी जैसे लोगों को, और जो इस तरह के लोग हैं जो साहित्य से जुड़े हुए हैं, जो धर्म से, कर्म से जुड़े हुए हैं, जो संस्कारों से आज भी जुड़े हुए हैं, उनको ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो वापस हमारे पुरातन काल की जो सनातन सभ्यता है, सनातन संस्कृति है, उसमें हम लोग वापस लौट कर आए। इसके लिए किस तरह के प्रयास होने चाहिए? आप क्योंकि लगातार बुद्धिजीवी लोगों के साथ उठते बैठते हैं, तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से हमको दिशा और दशा में परिवर्तन करना चाहिए? देखिए, बहुत सार्थक सवाल भी है, और एक सार्थक इस सवाल के साथ में आपने एक चिंता भी व्यक्त की है। जी ब्रजेंद्र जी जिस तरीके से व्यवहारिक काम करते हैं, तो मैं इन्हीं के कार्यों से प्रभावित होकर और इन्हीं की कार्यशैली के आधार पर मैं अपनी बात ये कहना चाहूंगा कि युवाओं को व्यवहारिक तरीके से साहित्यकारों के साथ में, ब्रजेंद्र जी जैसे व्यवहारिक विचारकों के साथ में जोड़कर, और हम ये जो है उद्देश्य पूरा कर सकते हैं। और जोड़ना कब होगा कि इसमें औपचारिकता खत्म हो जानी चाहिए, और जो एक दोस्तों, उम्र का जो फासला है उसको हटा करके और एक जी दोस्तों की तरह उनको जोड़ा जाए अपने साथ में, तभी हो सकता है। दूसरा, मैं एक चीज और आपको मैं ध्यान, चूंकि बात प्रबंधन गुरु की बात चल रही है, प्रबंधन गुरु जी बल्लभ किताब की, और इस किताब का जो मूल भाव है वो प्रबंधन है, तो मैं एक चीज पे ध्यान आकृष्ट करवाने का लोक स्मरण नहीं कर पा रहा हूं कि जी ब्रजेंद्र जी ने घटनाओं को, दो अलग अलग घटनाओं को किस तरीके से जोड़ते हैं, और हल्का सा व्यंग्यात्मक और एक चिंता व्यक्त करते हैं। उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि ये दो समाचार एक साथ करते हैं कि एक सरकारी विभाग के द्वारा बनाई गई सड़क 10 दिन में पानी बरसात की तरह बरसात में बह गई, बह जाती है। लेकिन बिहार में दशरथ मांझी ने जो एक छेनी हथौड़ा लेकर एक 3 किलोमीटर लंबी सड़क बना दी, वो आज तक है। ये जी वहां जब दो घटनाओं को एक साथ करते हैं और नीचे अपनी टिप्पणी देते हैं, और बल्लभ गुरु प्रबंधन की, इसकी श्री जी बल्लभ की बात करते हैं, श्रम का सिद्धांत जब ये प्रस्तावित करते हैं, तब ये उन घटनाओं को वहां जोड़ते हैं। तो ये एक व्यवहारिक प्रबंधन की किताब है, बिल्कुल, और जहां मैं एक बार तरफ बार इस, बड़े बड़े अधिकारी, सरकारी अधिकारी बड़ी बड़ी मशीनरी के साथ सड़कें बनाते हैं और वो एक बहाव में बरसात के बह जाती है, लेकिन एक व्यक्ति की मेहनत लगन के साथ बनाई हुई सड़क जो है वो सालों साल चल जी। नदीन जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी तो मैं ये कह रहा था कि ये जो श्रम का सिद्धांत जब श्री बल्लभ जी का प्रस्तावित करते हैं, जी तो उन उन चीजों को व्यवहारिक रूप से, मैं बार बार एक चीज इंगित कर रहा हूं कि इनका सारी इनकी सारी जो कार्य भी है, इनका जो लेखन है, इनकी जो विचारधारा है,
वो सारी व्यवहारिक, एक शब्द में अगर मैं कहूं तो व्यवहारिक प्रबंधन है, इनके व्यवहारिकता है सबसे बड़ी बात है, मतलब इनके औपचारिकता नहीं है। अच्छा, एक चीज और विशेष इस किताब की ओर है कि आपको इसमें अलग अलग विचारधाराओं का समावेश मिलेगा, मतलब आपको लगेगा एक बार लगेगा कि जब ब्रजेंद्र जी फला विचारधारा को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ये सारी विचारधाराओं को से फिल्टर करके मानवतावादी विचारधारा को फॉलो करते हैं, मुख्य बात ये। बिल्कुल, ये मतलब एक इंसान मूल, आप ये समझिए कि इंसानियत को ये हाईलाइट करते हैं अपनी किताब के अंदर। तो आज जब हम इस बात के लिए पूरी दुनिया के अंदर जब एक इंसान बनने की कवायद चल रही है, एक अच्छा इंसान कैसे बना जाए इस पे बात हो रही है, तो वहां ये किताब एक बहुत नायाब करती के रूप में एक नजीर पेश करती है कि इस किताब को पढ़ के कम से कम एक इंसान होने का एहसास तो कायम किया जा सकता है। बिल्कुल, इस तरह के बहुत से उदाहरण इस पुस्तक के अंदर मैंने भी पढ़े हैं। जैसा कि बिजन जी, मैं आपके मुंह से सुनना चाहूंगा, आपने एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण इसमें दिया है कि एक मुस्लिम परिवार का जो लड़का है मुंबई में, उसने पूरी खेती बाड़ी की और गायों के लिए उसने काम किया, गाय के गोबर बेचकर वो अपना जीवन यापन कर रहा है, उसके बारे में चाहूंगा कि आप थोड़ा सा रोशनी डालें। हाँ जी बिल्कुल, जैसे मैंने उनका उदाहरण दिया, एक सबीर मामू करके हैं जी, उनके पिता कसाई, मतलब कसाई गिरे का काम करते थे, उनको बहुत दया आई उस गायों को कटता देखकर, तो उन्होंने जो उनके पास जो खेती थी जिसमें वो कसाई वाड़ा चलाते थे, उसमें उन्होंने गायों को पालना चालू कर दिया उनके गोबर से, उनके वो उससे क्या है कि मतलब आय पैदा करी, फसल जो गई उससे उनको खिलाया, उनके दूध को बेचा, ये बेचा। तो ये इसीलिए है कि मैंने उसमें लिखा हुआ है, इसका मतलब जो तथा कथित मोब लिंचिंग फैल और मानवतावादी गो सेवा जीती, वो सफल हो, ये प्रबंधन जो है वो ज्यादा बेहतर हो, यानी कि। और मेरा उद्देश्य जी, मेरा उद्देश्य यही है कि अपने को किसी से सीखने की, जाने की जरूरत नहीं, हमारे आसपास ही है। अगर हमारे आसपास कोई मुसलमान रहता है या कोई हिंदू रहता है तो वो कोई ना कोई प्रेरणा देता है, चाकू लिए हुए कोई नहीं फिरता। तो मैंने यहाँ 500 इस बीकानेर के ऐसे उदाहरण दिएंगे जिसके, इसका उद्देश्य एक शेर से मैं बताता हूँ कि हम ना लिखेंगे खुद को किताबों पर, हमें आप जुबानी याद रखना। जिन्होंने ये काम किया उनको कोई मतलब नहीं था कि भाई हम अपने कागजों में लिखी जाए, हमें किताबों में लिखा जाए, हमें जुबानी याद रखना। तो हम जुबानी, मतलब ये जो थैंक्स गिविंग जो अमेरिका में एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, हमारे यहाँ तो शुरू से ही है, आप उतर रहे हैं तो जमीन से क्षमा मांग रहे हैं, आप पानी को गंदा कर रहे हैं तो आप वो कर रहे हैं, जैसे ये कहते हैं ना कि आपको क्या है कि इसीलिए आपके घर में कुत्ता पोटी कर देता है तो आपको अच्छा लगता है क्योंकि ये फैशन बन गई है, पर बूढ़ा बाप या माँ अगर थोड़ा सा पेशाब भी उसका निकल जाता है तो आप उसको उस कपड़े से पहले उसको धो डालते हैं। बिल्कुल, तो ये इसीलिए है कि हम आसपास से नहीं सीखते, हम अलग कहाँ जाएंगे, किससे नहीं सीखेंगे। हमने ये देखा है, मेरी मिसेज की तबीयत खराब हुई थी तो मैं एक डॉक्टर साहब को दिखाने गया, तो उन्होंने कहा इनके ब्लड प्रेशर हाई है, आपको 3-4 बार ये चेक करवाना है। तो मैंने कहा जाने कि इसको तो चक्कर आते हैं, तब उन्होंने बताया हमारे पास में ही जूनगढ़ों के मोहल्ले में एक मुजफ्फर कादरी जी हैं, उनके लिए बताया, तो आप यकीन नहीं करोगे वो दिन में 6 बार मेरे घर में आते और उनका ब्लड प्रेशर लेके जाते। तो वो इस बात से कोई ठीक हो गया, आदमी को ऐसा लगता है आप को, हमें अपना कोई नहीं पूछ रहा है और गैर आकर 6 बार पूछता है ना, तो हमारा आत्मविश्वास उससे ही बढ़ जाता है। बिल्कुल, यानी कि अपने ऐसे लोग हैं हमारे जैसे जाति में ही ऐसे रहे हुए हैं, जैसे मांगीलाल है या और भी कोई ऐसे लोग थे कि वो बेचारे सबकी सेवा करते थे और उनको अपनी स्थिति का अपने को जरूर होता था कि ये क्या करेंगे, इनका क्या होगा, पर वो कहते थे कि जब उनको ये लगता ही नहीं था कि दूसरा हमसे ज्यादा सुखी है, वो यथास्थितिवादी ऐसे थे कि वो कहते थे कि भाई भगवान जब सबकी दिन फेरेगा तो हमारे भी फेर देगा, हमने कोई उसकी भैंस थोड़ी खोली है। बिल्कुल, ये भले ही साधारण सी बात है पर ये कितना बड़ा विश्वास है।
कि हम तो आज जो समझदार कहलाते हैं ना, वो तो अपने भाई की संपत्ति नहीं, अपनी मिसेज के पास ही चार पैसा देख करके नाराज हो जाते हैं कि देखो इसके पास इतने निकल गए, मेरे नहीं लगे। तो ये इसके लिए जो मैंने आपको बताया ना कि मेरी पुस्तक का उद्देश्य है, हम ना लिखेंगे खुद को कागज पर, हमें आप जबानी याद रखना। तो ये जबानी हम याद रखेंगे ना तो बहुत फर्क पड़ेगा, और हम निश्चित कहेंगे किसी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने इस पूरी पुस्तक में जो, यानी कि हम ये कहें कि अगर पूरी इस पुस्तक का जो सार है वो आप किस रूप में देखते हैं, क्योंकि समय भी जो है वो हमारा हो रहा है, और उससे चलते चलते जाने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस पूरी पुस्तक की जो प्रेरणा है, और या ये पुस्तक जो है आप किन लोगों को समर्पित करना चाहते हैं, और बीच में जो है कनेक्शन कट गया था हमारा नदीम भाई से, और नदीम भाई वापस हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो मैं ब्रजेन जी आपके पास आऊं, उससे पहले मैं नदीम जी के पास जाना चाहूंगा और उनसे पूछना चाहूंगा कि इस पूरी पुस्तक के पीछे क्या आपको लगा कि इस पुस्तक का जो उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं ब्रजेंद्र गोस्वामी अपने उद्देश्य में पूरी तरह से सफल रहे हैं या नहीं रहे, या उन्हें आगे भी और इस तरह की पुस्तकें लिखते रहना चाहिए। नदीम जी आपकी आवाज हमको नहीं आ रही है, आपका जो है वॉइस जो हम तक नहीं पहुंच पा रही है, तो मैं चाहूंगा कि आप अपना ऑडियो जो है एक बार थोड़ा सा चेक कर लीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। आवाज हाँ नदीम भाई आपकी आवाज आ रही है, मेरा सवाल आपसे, आवाज हाँ बिल्कुल आपकी आवाज मुझ तक पहुंच रही है, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जो ब्रजेंद्र गोस्वामी की पुस्तक है उसमें जो मुख्य उद्देश्य है, क्या ब्रजेंद्र गोस्वामी अपने उद्देश्य से सफल हुए हैं, या उनको इस तरह की और भी आने वाले समय में पुस्तकें लिखते रहना चाहिए। जी ये तो बात सही है कि लिखते रहना चाहिए, तो लिखते रहेंगे किताबें तो, लेकिन ये जो खास तौर से ये किताब है प्रबंधन गुरु श्री बल्लभ, ये पूरी तरीके से अपने उद्देश्य में कामयाब है, और इसमें कोई शक सुबह की बात नहीं है। इतनी मेहनत इन्होंने करी है कि आदमी चकित हो जाता है एक पाठक पढ़ते हुए इसको, और मैं व्यक्तिगत रूप से इस किताब से बहुत ही प्रभावित हूँ कि इन्होंने जो उद्देश्य लेके चले थे, तो जो जो इन्होंने, मुझे ऐसा लगता है ये किताब पढ़ते हुए कि जो ब्रजेंद्र जी ने खुद ने जो सोचा था उससे कहीं गुना जाते ये किताब सार्थक साबित है। निश्चित तौर पर ये पुस्तक इस तरह की है, ये विषय ऐसा है कि इसमें हम घंटों घंटों तक चर्चा कर सकते हैं, लेकिन समय का भी एक अपना दायरा होता है। चलते चलते मैं ब्रजेंद्र जी आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने जो ये पुस्तक लिखी है ब्रजेंद्र जी, वो किन लोगों से प्रेरित होकर लिखी है, और समाज में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, विशेष रूप से हमारे युवाओं को? बस यही कि अपने आसपास वालों से सीखो। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं पीडब्ल्यूडी में सर्विस करता हूँ, तो पीडब्ल्यूडी में हमारे ये जो नदीम भाई है, इनके पिता हमारे यहाँ सुपरवाइजर थे अमीन साहब करके जी, तो उनकी दिन भर, वो सांस के मरीज थे, पर उनकी दिन भर ये आवाज गूंजती रहती थी पीडब्ल्यूडी में, एकदम अपने जो उनकी जो मातृभाषा है उसमें, कह रहे जाओ तो तू देख कलेक्ट्रेट में देख रही जे बटे शिकायत आईडी है के लाइट ठीक को नहीं, और सुन ई बहाने काल गोच मत कर जाजे, और वो खुद दिन भर उसमें चलते रहते थे, मतलब वेल अप टू डेट। सबसे बड़ी बात है मैंने उनको कभी भी बिना मतलब यहाँ सूटेड वुटेड नहीं देखा, उसके बावजूद वो हथौड़ा लेकर के भी, अरे यहाँ हुआ क्या यूं करके हथौड़ा भी चला लेते, जमीन में भी बैठ जाते। तो ऑफिसों में से एक हमारे कुमाराम जी थे, वो दिन भर दौड़ते रहते थे घर में बाहर में, उनके इतने थे कि कहीं भी जाओ सब जगह उनके इसी कारण से संपर्क आते। ये लोग सब प्रेरणा देने लायक हैं, क्योंकि भागवत का मूल उद्देश्य भी ये है कि किसी की भी पहचान किसी के कपड़े जाति और धर्म से नहीं होती, उसके मानवतावादी दृष्टिकोण से होती है, और वो ही संत कहलाता है, कपड़ों से नहीं कहलाता वो, ये कहते हैं। इसीलिए बहुत से मुझे अपने बीकानेर में 50 ऐसे उदाहरण है, आप कहीं भी देखो आपको कोई ना कोई प्रेरणा देता मिलेगा, गाड़ी देता हुआ भी मिलेगा,
प्रेरणा देता हुआ भी मिलेगा, पर प्रेरणा देता हुआ ज्यादा मिलेगा। आपको यकीन ही नहीं आएगा, जैसे हमारे जाति में जो संघ से जुड़े हुए लोग थे, प्रकाश मणि जी हैं, गोपी वल्लभ जी हैं, नवनीत जी, ये लोग ऐसे थे कि इनको 24 घंटे में कहीं ना कहीं व्यस्त ही देखता था। और मैंने इनके मुंह कभी ये नहीं सुना कि अरे वो फलाने का ये काम था ना, मैं उसके लिए गया था, कि आपको भी तो ये करना था, अब भूल गया, कल करूंगा। तो मैंने देखा नहीं कि कभी वो कल आया हो। खुद की परवाह नहीं करते, उन्होंने समाज की और दूसरे लोगों की परवाह की है। बिजन जी, आपका और नदीम भाई, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आज ज्ञानम महोत्सव में शामिल होने के लिए। और हम हमारे दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि अगर आपको अपना जीवन सफल करना है तो आपके जीवन का जो प्रबंधन है वो सही तरीके से होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को ऊंच या नीच के या धर्म जाति के आधार पर आपको कतई नहीं देखना चाहिए। सुकनिश्चय सर जी, वो क्या है कि एक उद्देश्य है कि शुद्धश्च सुकनिश्चय, सुख के लिए शुद्ध होना जरूरी है। वो शुद्ध आप आचरण में, खान पान में, कोई भी जो चीज है ना, पैसे में भी। वो कहते हैं अगर आप दान भी अविचारे दाने दाता सर्वनाशनम, आप जैसे अभी हमारे बीकानेर में नेकी की दीवार बनी हुई है, तो आप ये सोचो वो इतनी अनेती की दीवार है कि वहां पे ढेरों कपड़े पड़े हुए रहते हैं और सड़कों तक में आ जाते हैं, कोई नहीं देखता, इतना वो हो रहा है। तो इसलिए शुद्धस्य सुकनिश्चय, वो कहते हैं सुख के लिए शुद्ध होना जरूरी है। यानी कि निश्चित रूप से अगर आपको शुद्ध होना है, आपको सही रहना है, आपका जीवन सही करना है, तो आपको शुद्धता से रहना पड़ेगा, आपको सही व्यवस्था के साथ, सही प्रबंधन के साथ रहना पड़ेगा। आप दोनों का ज्ञान महोत्सव में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद आपका। सिटी लाइव, अ प्लेटफॉर्म टू शेयरिंग योर थॉट्स।